भाई दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों कप्तान तैयार है और दूसरी तरफ हम लोग मैच जाके कराएंगे, दोनों कप्तानों की सहमति से कराएंगे। रियो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जिसको हैंडल कर रहे हैं हमारे सरोज भाई। इस मुकाबले की रेफरशिप करेंगे 15 पास मुकाबला। टॉस जीता लखाटी ने और कोर्ट चूज किया पहली रेड कवर शायर एकेडमी की तरफ से। ऋतिक बैक होल्ड करने का प्रयास और जेडी रूट पास। दूसरा मैच ऋतिक को लक्ष्य लखाटी की तरफ से मुन्ना लखाटी और एक कमाल किया क्या अच्छा। इससे अगला मैच ऑलराउंडर खिलाड़ी की दोनों टीम बिल्कुल तैयार है और हर्षित चलिए रे बस मैच खिलाड़ी का लग और ढूंढ के बढ़िया सा और रौनक। अरे चल अंदर मैच तो चल पर है भाई भाई को क्या था यार हल्का हल्का वॉइस का वॉइस का अरे देख 2-0 अरे क्या बात है तेरी रागनी बिल्कुल होगी जब फाइनल मैच होगा उस समय। बिल्कुल मैच चल रहे हैं ये बिल्कुल लाइव और पर जाके भैया पता ना कौन है मैं तो इन्होंने ने कौन है 5 नंबर भैया 5 के डिफेंस में और कामयाब है भैया चल रहे हैं भैया। यूपी खेल यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव प्रसारण हो रहा है। ये धर्मवीर ने बिगाड़ रखे व्यवस्था बैक होल्ड करने का प्रयास गुप्ता का और कमाल का बैक होल्ड और हमारे भारत की स्थिति के युवा नेता वीरेंद्र कसाना जी खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन हर्षित वीरेंद्र कसाना जी चार जीरो एक बार फिर के कमेटी को कुछ सामग्री पहुंचाइए खाने पीने की बहुत बहुत धन्यवाद। एक और एम्प्टी रैंक मंजीत क्या वो कमाल दिखावाएंगे जो कमाल ऋतिक दिखा रहे हैं जो कमाल गुप्ता दिखा रहे हैं कबर सैन अकेडमी बसी की तरफ से। एक और है पीरियड देखने को मिलेगी सुपर टैकल 3 में से 2 डिफेंडर 1 रेडर इस समय कोर्ट के अंदर। अर्जुन आए सामने से कमाल का सुपर टैकल देखने को मिला खाता खोलता हुआ लखावटी टीम का। दोनों टीमें बेहतरीन टीम है कमाल की टीम है बंटी तेरे दोनों बहुत ऐसा ही प्रदर्शन किया है अभी तक दोनों टीमों ने इतनी तो नेतान की खेल भी नहीं है। एकेडमी बसी की बात करें या लखावटी की बात करें दोनों टीमों का दमदार प्रदर्शन इस मुकाबले में बात की जाए तो 4-0 स्कोर था। एक समय लखावटी ने वापसी की सुपर टैकल के साथ खाता खुला 4-2 का स्कोर इस समय। एक और एमपी राइट हर्षित डू और डाई का इंतजार करेंगे क्योंकि मैच की परिस्थिति वही कहती है कि आप अगर डू और डाई में खेलते हैं दूसरी टीम को ऑल आउट की तरफ धकेलते हैं। ये जो मैच चल रहा है मुकुल को इस बार बाहर किया है बहुत जबरदस्त मैच है बहुत जबरदस्त है। दोनों टीमें टक्कर की टीमें हैं फाइनलिस्ट टीम है। अरे थमिया थमिया भैया रेफरी आएंगे भाई साहब रेफरी को निर्णय सर मानने होगा पीछे पीछे है आपके पास और रौनक बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है 3 स्कोर पर हमारे पास मौजूद है 2 पॉइंट अगर आपको लीड में कमर सैन अकेडमी दे सकते हो 4 के डिफेंस में रौनक दोनों रेडर लेफ्ट रेडर लंबी कद काठी दोनों की कमाल की स्पीड रीच्ड बेहतरीन दोनों के पास। एक तरफ तीनों रेडर राइट रेडर हैं चाहे लक्ष्य की बात करें आकाश की बात करें या मजीद की बात करें तो दूसरी तरफ 2 लेफ्ट रेडर 1 राइट रेडर हर्षित रौनक और ऋतिक। हर्षित और रौनक दोनों लेफ्ट रेडर हैं ऋतिक जो कि राइट रेडर और मौका भी दे रहे हैं लगातार लेफ्ट रेडरों को। फिर से वही गेम
पिछली रेड में, रौनक तो दूसरी रेड में अर्चित। चार कार्ड पैच भैया, एक सुपर टैकल लगा चुकी है, एक और कमाल का ये टैकल देखने को मिला है। कोई भी दर्शक, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी भैया बिगड़ खाने के रह रहा है तो जाके खाना खाया है। लक्ष्य पांच कार्ड पैच में, पांच चार का स्कोर और लीड अभी भी कबर शहन अकेडमी बसी के पक्ष में। हालांकि 4-0 स्कोर था एक समय, लखावटी ने 4 पॉइंट अर्जित किए हैं, 1 पॉइंट बसी ने, 5-4 का स्कोर है। एक और एम्पियर डू अडाई का इंतजार, मनजीत 7 नंबर जर्सी में खिलाड़ी, क्या स्कोर बराबर कर पाएगा या डू अडाई में खुद ढेर हो जाएगा। पांच का डिफेंस है, 2 खींचे लेफ्ट में, 2 खींचे राइट में, सेंटर में ऋतिक लगे हुए हैं, और राउंडर खिलाड़ी है, लंबी कद काठी है ऋतिक की। क्या बेहतरीन, ये कमाल का टैकल देखने को मिला, जबरदस्त थाई होल्ड, और ऋतिक को जाना होगा बार बेंच पर। 6-4 का स्कोर, 2 पॉइंट की लीड अभी भी कबर सैन अकेडमी बसी के पक्ष में। गाजियाबाद कबड्डी टूर्नामेंट का बेहतरीन मुकाबला हुआ, अगर बात की जाए तो इस मुकाबले को जरूर याद किया जाएगा। अब तक का सबसे जबरदस्त मुकाबला इस टूर्नामेंट का, ग्राम भूपकेड़ी लोनी का गाजियाबाद एक दूसरे कबड्डी टूर्नामेंट 2024। भाई खाने का इच्छुक है, खाना तैयार है, खाना ग्रहण कर सकते हैं मंदिर के पास, भाई मनसा राम जी के यहाँ पे। चाहे कोई भी है, दर्शक है या खिलाड़ी है, कोई भी हो खाना ले ले। मल्टी पॉइंट रेड है ये। रिव्यू लिया लखावटी की टीम से, तो रिव्यू लिया गया था, वो डिसमिस हो चुका है समय लीड में, रिव्यू खत्म और कामयाबी मिलेगी। बहुत बढ़िया, टाइम आउट, 5-8 का स्कोर है, टाइम आउट लिया है। बनमौजी हो रही है तो किक, कमाल की है भाई स्कॉर्पियन किक, कमाल की स्कॉर्पियन किक। नौ 5 का स्कोर है, 2 खिलाड़ी कोर्ट में, गोलू ऑल आउट मिलता हुआ लखावटी को, ऑल आउट दे दिया है लखावटी को। 13-5 का स्कोर, 8 पॉइंट की लीड इस समय कवर सैन अकेडमी वसी के पक्ष में। कमेटी के पास जो भी अभी राशि आई है रेफरियों के लिए, 100 रुपया वीरेंद्र कसाना की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। कमाल की कैच लगा दी फैसले, बेहतरीन ये टीमें हैं दोनों, कमाल की टीमें। इससे अगला मैच मुन्ना लखावटी और जेडी रूपा, ये हमारे जो चुन्नर डालने वाले भाई है, भैया चुन्नर डालते रहे। स्कोर की बात करें तो 13-6 स्कोर है, 7 पॉइंट का भी अंतर है। कमाल का ही है भाई, दोनों की दोनों टीम बिल्कुल तैयार है। 14-6 लक्ष्य बॉस का प्रयास, लेकिन नहीं, ये कमाल की कैच है भाई, ये कमाल का प्रथम जबरदस्त ये कैच। ओ भाई, भाई यार बंद कर रहा है, करवा दी बंद। मनजीत ready
मुकाबला ऊपर है पूरी तरह से, 8-14 का स्कोर है, 6 पॉइंट का भी अंतर। यहां कामयाबी मिलेगी ऋतिक की, फिर से रेड कामयाब। धीरे धीरे जो अंतर है वो बढ़ता हुआ, मुश्किल बढ़ती हुई। एक और बेहतरीन डैश देखने को मिला है, पांच के डिफेंस में रौनक, 8-16 का स्कोर, डबल मार्जिन है, डबल अंतर समय, लीड में कवर सेन अकेडमी बसी। आकाश और छोटू लखावटी की तरफ से और ऋतिक को निशाना बनाया, बड़ी मछली इस बार चाल में फंसाई है, मल्टी पॉइंट रेड है, एक ही रेड में दोनों भार, कवर और कॉर्नर, सॉरी भाई लैप इन और कवर, लगातार स्कोर बड़े मार्जिन में चल रहा है, अभी भी 9-18 बोनस मिलता हुआ। जैकी दस 18 स्कोर है, 8 पॉइंट की लीड, अभी भी कवर सैन अकेडमी के बसी के पक्ष में, शुरू से ही मुकाबला बसी ने अपने पक्ष में करके रखा है। दस 18 ऋतिक 4 के डिफेंस में, 2 खींचे लेफ्ट में, चारों बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर, 2 डिफेंडर, दोनों कॉर्नर इस समय कोर्ट के अंदर है। अंकित एक और मल्टी पॉइंट रेड, दोनों कॉर्नर को एक ही रेड में बाहर कर दिया है, और ऋतिक और ने अंकित और मुकुल को लक्ष्य, 10-20 का स्कोर। वन पॉइंट, लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में ऑल आउट मिलता हुआ, एक और ऑल आउट दे दिया है, मध्यांतर से पहले 2 ऑल आउट दे दिए हैं बशी ने लखावटी को, 10-24 का स्कोर है, 14 पॉइंट की बड़ी लीड इस समय बसी के पक्ष में आ गई। लक्ष्य ने जिम्मा संभाला है इस बार रेड का, चौदह पॉइंट का अंतर है, रेड राउट, एक और बेहतरीन डैश शिवम गुप्ता का, हर्षित ने काफी विवाहित किया है इस मुकाबले में, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है, डिफेंस में भी पॉइंट देखने को मिले हैं, रेडिंग में भी पॉइंट देखने को मिले हैं लगातार, मध्यांतर मध्यांतर के समय स्कोर 10-25, क्या वापसी करेगी यहां से लखावटी, संभव सब कुछ है कबड्डी में। मध्यांतर के बाद एक बार गेम फिर स्टार्ट, मध्यांतर से पहले 15 पॉइंट की बड़ी लीड है कबर सैन अकेडमी बसी के पक्ष में,
टाइम आउट लिया है। दस पच्चीस लगावटी जेडी रुबास दोनों टीमें तैयार है कपड़े तार कर। समय काटने का प्रयास हर्षित का, शुरू से ही मुकाबला हालांकि स्टार्ट हुआ है सेकंड हाफ का, बड़ा अंतर है वापसी करने में। संभव टीम है लखावटी, क्या यहां से वापसी करके दिखाएगी। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। मनजीत एक और एमपी रेड, हालांकि इस मुकाबले में एमपी रेड का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां मनजीत ने कमाल का टैकल दिखाया, बेहतरीन डबल थाई होल्ड। थर्ड हेड डू अडे रेड, एक और डुबकी लगाने का प्रयास है, लेकिन एक और कमाल का टैकल देखने को मिला है। जबरदस्त गेम दिखाया अभी तक कवर सैन अकेडमी बसी ने, चाहे रेडरों की बात करें डिफेंडरों की बात करें, पूरी तरह से मुकाबला गिरफ्त में करके रखा है बसी ने। लखावटी को बैकफुट पर धकेल कर रखा है, 11-26 स्कोर, फिर से 15 पॉइंट की लीड। जैकी ने यहां गलती की है, जिसका काम याजा भुगतना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि डिफेंस में इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है वसी को, क्योंकि जानते हैं जो अंतर है वो अभी भी 14 पॉइंट का है, और आप डिफेंस में इस तरह की गलतियां करेंगे तो भाई ये मुकाबला जो कि मौके छोड़ती नहीं है लखावटी की टीम। और वही गेम दिखाया फिर से, एक बेहतरीन चैन टैकल देखने को मिला, सपोर्ट मिला बिल्कुल का समय पर। पांच के डिफेंस में 13-26 अंतर अभी भी दुगने का मार्जिन है। ये खिलाड़ी मत्ता रखता है, पलटी जबरदस्त लगाता है खिलाड़ी। गुप्ता को एंकल होल्ड करने का प्रयास मुकुल का, तेरे 26 का स्कोर है, एक ऑल आउट आपकी वापसी करा सकता है इस मुकाबले में, लेकिन उस ऑल आउट को कौन गति देगा। अभी तक ऋतिक ने गति दी है, लेकिन ये मौके जो लगातार भुनाती रही है वसी की टीम, कमाल का प्रदर्शन किया है वसी ने। बिल्कुल समझा दिया है पार्टनर ने, सेकंड से बचकर तो दोनों तरफ सेकंड में, एक तरफ लक्ष्य है तो दूसरी तरफ मनजीत, दोनों सेकंड जबरदस्त मारते हैं। तेरह 27 अंतर अभी बड़ा है, बिल्कुल सर्दी जरूर है, जनवरी का समय स्टार्टिंग 7 जनवरी का,
ये टूर्नामेंट डू ऑर डाई रेट। ये रौनक इस समय डू ऑर डाई में, लक्ष्य है कहा था सेकंड से बचकर और सेकंड ने काम भी कर दिया है। लाइव चल रहा तुम्हारे बस, पांच का डिफेंस में लक्ष्य है, हालांकि पांच का डिफेंस सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है कबड्डी के क्षेत्र में, क्योंकि दोनों तरफ चैन होती है, दोनों की और सेंटर में एक सपोर्ट के लिए खिलाड़ी होता है और बोनस मिलता नहीं है रेडर को। क्या यहां से वापसी करेगी टीम, अभी भी 14-27-13 पॉइंट का बड़ा अंतर। थर्ड रेड डू डाई रेड, फिर से पास कर फैंस, मंजीत क्या इस किले को भेद पाएंगे, बहुत मजबूत ये दीवार एक तरह से बनी हुई है चैन। टैकल एक और देखने को मिला, ये कॉर्नर है राइट कॉर्नर, कमाल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। चौदह 28 अभी भी डबल मार्जिन है, समय बहुत है वापसी करने के लिए, लेकिन इसका जिम्मा कौन उठाएगा, कौन सिलसिला जारी करेगा। एक मुकाबला मुझे बहुत अच्छे से याद है राष्ट्र कबड्डी टूर्नामेंट का। भैया मैं अभी एक दर्शकों को एक खुशी और दे रहा हूँ, सॉरी भाई इकला टूर्नामेंट जो जेडी एकेडमी की टीम है उसमें भाई वो भी रील खास है जो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हमारे टूर्नामेंट में। 14 वो भी रील का जो की 10-20 मिनट में हमारे टूर्नामेंट में पहुंचने वाले हैं और अपनी टीम जेडी एकेडमी में खेल लेंगे। भैया भाई जी रेफरी का निर्णय सर मान्य होगा, भाई आप सबके पास रिव्यू है, ट्रैक होल्ड करने का प्रयास है, रेफरी का निर्णय सर मान्य होगा। भैया पॉइंट किधर जाएगा, दोनों रेफरी रेफरी का निर्णय सर भी तो देखन था यार, रेफरी का निर्णय क्या आता है। मैं रेफरी के भी चल रहे हैं इसके, लिया गया था वो रिवी खत्म हो चुका है, मुकाबला स्टार्ट एक बार फिर, और ये कमाल की कैच है, बहुत बढ़िया, ये कमाल का डिफेंस है, जबरदस्त चैन देकर लगातार खिलाड़ी ने किए हैं प्रिंस ने, भाई लगातार डिफेंस में अपना जलवा दिखाया है और लखावटी के रेडरों को बिल्कुल शांत करके रखा है। अरे भैया अगला मैच बोलिए रे, और जेडी रूपास भाई दोनों के दोनों टीम बिल्कुल तैयार, मुकाबला भाई पूरी तरह से अभी बीओ पर है हालांकि, लेकिन जिस तरह का वसी मुकाबला दिखा रही है यहां से वापसी करना लखावटी के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। हर्षित प्रिंस इस समय बाहर है, ऋतिक इस समय बाहर है,
लेकिन प्रिंस ने काफी विरोधित किया इस मुकाबले में। कमाल की कैच लगाई है आज, चैन टैकल देखने को जबरदस्त मिले हैं प्रिंस के। ये कमाल का टैकल भाई, गुप्ता सामने से आए। अरे तुझे भी चीता ही कहते हैं। 17-30 स्कोर। बेहतरीन ये रनिंग हैंड टच, लंबी रीच है, तीनों के तीनों रेडर। अंतिम चार मिनट का समय शेष, लास्ट चार मिनट इस मैच की, लास्ट चार मिनट। बेहतरीन ये एंकल बॉल, बिल्कुल भाई जबरदस्त गेम दिखाया बशीर ने, कमाल का मुकाबला दिखाया। यहां से वापसी करना कड़ी चुनौती लखावटी के लिए, बहुत बड़ा अंतर है 17-32 स्कोर, 15 पॉइंट का अंतर। समय काटते हो जाएगी, लाइव प्रसारण चलता रहा, चल रहा बिल्कुल बाकी इस मुकाबले में, लेकिन अंतर 3 पॉइंट का है। सॉरी 3 मिनट का समय इस स्पोर्ट वीडियो की, जो कि बिल्कुल यहां से खेल क्लब की तरफ से यू लाइव प्रसारण। तू चाय से ठीक कोई ना कल सुन 15 पॉइंट मेरे यार, सारी बात की तू तो ठीक हो। एक और कमाल का टैकल, ये सुनाया मैंने, अब अपनी खाट पे पाया हमारी गाड़ी की छत पे, मैंने सोचा बहन जब पुल्ला पिल्ला बैठ के दिखे बाहर से आए, पर भी यहां भी चीता ही कह दे। दूसरा यूट्यूब चैनल यूपी खेल कलम 33 दोनों पे बिल्कुल लाइव चल रहा है भैया, अभी ना मुकाबला समाप्त दोस्तों। 16 पॉइंट से बाजी मारी कवर सैन अकेडमी बसीने, लखावटी का सफर समाप्त होता हुआ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।